बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ अंडे का सालन। तो आज अम्मी बनाने वाले हैं अंडे का सालन। वैसे अम्मी तुम इससे पहले भी अंडे का सालन बना? हाँ, तो क्या हो गया, बहुत किस्म के बनते हैं अंडे का सालन, तरीके तरीके से बनता है अलग अलग। तो आज का सालन भी उस सालन से बहुत अलग है। हाँ देखो भाई, अभी अंडे का सालन या फिर चिकन या फिर मटन का सालन, हाँ। अभी सब अलग अलग बनता है, वैसे ही अंडे का सालन की भी 3 से 4 अलग अलग रेसिपी है। मतलब वो रेसिपी अलग थी और ये रेसिपी अलग है ना। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि अम्मी अंडे का सालन बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम बॉइल अंडे, प्याज, पिसे हुए टमाटे, दही, कसूरी मेथी, कोथमीर, अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ खड़े गरम मसाले में मैं ली हूँ जीरा, तेजपत्ता, 1 काली इलायची, फूल और काली मिरी। और यहाँ लेंगे मिर्ची की बुक्की, धनिया की बुक्की, हल्दी की बुक्की, जीरे की बुक्की और कश्मीरी लाल मिर्च। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हमने अंडे यहाँ पर बॉईल करके ले लिए हैं। इसको हम क्या करेंगे, छुरी की मदद से या फोक की मदद से इसको कट कर लेंगे या इस तरीके से सुराख कर लेंगे। ये सुराख हम इसके लिए कर रहे हैं ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाला भी चले जाए, और दूसरी वजह कि हम इसको जब तेल में फ्राई करें तो तेल हमारे मुँह पर उड़ के ना आए। अगर इस तरीके से सुराख करके आप तेल में नहीं डालेंगे अंडे तो छींटे उड़ सकते हैं तेल के, इसलिए ज़रूर से इस तरीके से कर लेना। तो यहाँ पर मैंने सारे अंडों को फोक की मदद से सुराख कर ली हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ कढ़ाई रख दिए है, इसमें हम तेल डालेंगे थोड़ा सा, बस थोड़ा ही डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च इस तरीके से, और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी बस। और ये जो अंडे है इसको हम इसमें फ्राई करके निकालेंगे ताकि अच्छे हमारे अंडे कलरफुल हो जाए। अगर आपको बिना फ्राई करे के अगर डालना है अंडे तो आप डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो हमारे अंडे पे भी अच्छा सा कलर आ जाता है, कोटिंग हो जाती है मसालों की। तो यहाँ पर मैंने अंडे अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, मुझे जितने चाहिए, मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, आधे कच्चे पक्के ही फ्राई करती हूँ, ज़्यादा फ्राई ज़्यादा करेंगे तो कड़क हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडे निकाल ली हूँ फ्राई करके, और इसमें जो थोड़ा सा तेल बचा था मैंने वो भी हटा दी। अब हम इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे, इसी के साथ हम गरम मसाले का तड़का देंगे। गरम मसाला मैंने ज़्यादा नहीं ली हूँ, थोड़ा ही लिए है, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 फूल और 4-5 काली मिरी और 1/2 चम्मच जीरा। अब इसको थोड़ा सा तड़कने देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर गरम मसाला अच्छे से तड़क गया है, अब हम डालेंगे प्याज। यहाँ मैं 2 मीडियम साइज की प्याज को अच्छा बारीक काट के ली हूँ, इसको मैं अच्छा लाल होए तक फ्राई करूंगी, पूरा लाल करना है हमको प्याज को। तो यहाँ पर प्याज मेरी अच्छे से लाल हो गई है, अब हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसको भी 20 से 30 सेकंड तक भून लूंगी, अदरक लहसुन का कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। तो अदरक लहसुन अच्छे से भून ली हूँ मैंने, अब इसमें डालेंगे हम हमारे सूखे मसाले। यहाँ डालूंगी मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया की, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इसको ज़रा हम भून लेंगे 1-10 सेकंड के लिए तेल में ताकि अच्छे से पक जाए और सालन का कलर भी आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटे, यहाँ मैं मीडियम साइज़ के 4 टमाटे पीसी हूँ, इतने साइज़ के, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, इसका पूरा पानी सूखे तक भूनेंगे, तेल ऊपर आए तक।
तो यहाँ पर टमाटर का अच्छे से पानी सूख गया है पूरा, देख ले आप लोग तेल अलग हो गया है एकदम। इस तरीके से मसाला भुनेंगे ना सालन बहुत अच्छे से बनेगा। कच्चे टमाटर में अगर आप लोग दही वगैरह पानी वगैरह छोड़ देंगे तो टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए टमाटर अच्छे से भून लेना, इसका पूरा पानी सुखा लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे, गैस कर देंगे थोड़ा सा स्लो। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, इसको फटफट फटफट हिला लेंगे। दही डालते बराबर बहुत फास्ट हिला लेना, जरा भी छोड़ना मत ऐसा। अगर गरम गरम मसाले में अगर दही डालते हैं अगर फास्ट गैस पे तो दही फट जाता है, इसके लिए जल्दी जल्दी गैस स्लो करके इसको डालते साथ हिला लेना इस तरीके से। अब इसको भी मैं 2 मिनट तक पका लूँगी। तो यहाँ पर दही भी हमारी अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैं मेरे हिसाब से ली, आप अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे अंडे, यहाँ पे अंडे हम धीरे से डालेंगे। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब जिसको अंडा सूखा मसाला ही रखना है, अंडा मसाला, तो इस टाइम पे इसी तरह से धीमी आंच पे दम पे रख दे। हमको थोड़ा सा रस्सा चाहिए तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मस्त ना अंडा कढ़ी। इसको अभी 5 मिनट पकाऊंगी ना मैं, तो इसलिए थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। ये इस तरीके से आपको जितना पतला चाहिए आप अपने हिसाब से रखना, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। अभी इसको मैं 5 मिनट तक पकने रखूँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं यहाँ पकते पकते सालन को, माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोथमीर डाल देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे कसूरी मेथी ज़रा सही सेक के रखे है ये भी डाल देंगे। इसको अच्छे से डाल देंगे। तो यहाँ पर रेडी हो गया है मेरा अंडे का सालन, मस्त ना। यस तो दोस्तों तैयार हो गया अपना अंडे का सालन, अंडा करी है ना। मैं और देखो कितना गाढ़ा गाढ़ा और एकदम मस्त बना हुआ है। इससे पहले जो मैंने सालन बनाए थे ना उसमें काजू बादाम डाले थे शायद, एकदम थोड़ी शाही डिश थी वो, और ये है एकदम सिंपल और इजी और सस्ता रेसिपी, झटपट कोई भी बना ले फटाफट। चिकन महंगा पड़ता है ना, इसके लिए सस्ता अंडा कम टाइम पे बनता है। मेन इसका जो वजह है कम टाइम में पकती है, चिकन भी तो कम टाइम में खत्म होता है। नहीं नहीं हाँ। ये बहुत जल्दी पकता है चिकन से भी जल्दी, चिकन बहुत जल्दी टाइम पे खत्म होता है लेकिन ये बहुत जल्दी बनती है ना, इसके लिए जब टाइम कम हो ना इस तरीके से अंडा कड़ी बना लेने का फटाफट। हाँ, जब आपका टाइम कम हो तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हो चिकन की कोई भी रेसिपी ऐसा, लेकिन अंडा कड़ी भी बना लेना अगर मजबूरी है बनाना है तो बना लेना। लेकिन यार ये अंडा करी की भी रेसिपी बहुत अच्छी होगी क्योंकि सालन देखो इसका क्या मस्त गजब का फंडा बहुत है ना। अंडे संडे हो या मंडे, संडे या मंडे चिकन खाओ, लेकिन संडे या मंडे चिकन खाया, संडे मंडे अंडे फंडा आता है। संडे हो या मंडे रोज का वनडे, आप बोला ना सही, वो डायलॉग था अपना क्या, संडे हो या मंडे रोज खाओ चिकन। तो चलो फिर अंडा और जल्दी, अंडे भी खाता है रोज, नाक क्या लगा रहा है। हाँ मेरा खाली सही में मेरा लोग मेरे को पूछते हैं यार भाई तुम डाइट क्या करते हो, इतना मसाला खाने के बाद भी एकदम मस्त है, तुमको डाइट करने की कोई जरूरत नहीं। तो लो मैं पहले बिस्मिल्लाह करो, थोड़ा गर्म है तो मैं बताता हूँ मेरा क्या है खाना आज। चलो थोड़ा शेयर कर ही देता हूँ, शेयर मतलब बोल रहा नहीं कि आप लोग भी खाओ, मैं अपना बात बता रहा हूँ। सुबह मैं उठता हूँ 11 बजे, नीचे आके 11:30 बजे मेरा नाश्ता रहता है, 4 अंडा बॉईल करा हुआ और 2
कौन सा मीन भूल गया मैं, पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड। एक नंबर मसाला है ना, टेस्ट कितना अच्छा आ रहा है, मजा आ गया। सालन है, देखो सालन में तो कोई डाउट नहीं है, एक नंबर। हाँ कैसा रहेगा मसाला, देखो आया पानी मस्त एकदम ठंडा घड़ी बहुत मस्त बनी है। वो तो फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है अंडा मसाले वाला, नहीं तो ना ऐसा खाली बॉयल अंडा में खाता हूँ। हाँ ये अंडा कड़ी के लिए बोल रहा ना चिकन चिकन, तो ये चिकन और ये अंडा उसको डेली चाहिए, इसका डाइट ही चूहा है। हाँ हाँ, तो मैं बता रहा सुबह मैं खाता हूँ 4 अंडा और ब्रेड बॉयल अंडे। हाँ और फिर उसके बाद हम लोग 1 बजे आते हैं यहाँ पे। हाँ शूट पे, एक से डेढ़ के बीच में। तो ये शूट में शूट पूरा प्रिपेयर होते के 4:30 बज जाते हैं, 5 भी बज जाते हैं। कोई बड़ी रेसिपी रहे ना तो 5 बज जाते हैं। तो फिर 5 बजे मैं जो बैठ के खाता हूँ ना आधी रोटी एक रोटी, ये मैं मेरा काम करता हूँ, ये मेरा खाना नहीं है। ये कोने में भी नहीं जाता बच्चे के, मेरे से बोलते जवान ये मेरा तो यही मुझे चटपटा टेस्ट खाने वाला मिल जाता है। फिर उसके बाद नीचे जाके फिर अम्मी मेरा बॉयल चिकन लेता है, बॉयल चिकन ही खाता है। आधा किलो रहता रहेगा ना। हाँ तो आधा किलो बॉयल चिकन खाता है, फिर वो खाया। फिर उसके बाद सीधा 7 बजे, 7 बजे फिर 4 अंडा और 2 ब्रेड जो सुबह का खाता हूँ ना। हाँ, पीनट बटर वाला में ब्राउन ब्रेड। हाँ फिर वो खाया, फिर गया जिम, जिम से आया 10-15 मिनट वेट किया, फिर आधा किलो चिकन बस। और रात में सोने के टाइम अम्मी के जो काजू बादाम क्या क्या अम्मी तुम मेरे को बना के देते, तो पंजेरी जैसा मैं इसके लिए पूरा पीस के रखती हूँ। हाँ, तो वो एक बाटी रात में सोने से चबाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, तो मतलब रात में ना सोने से पहले वो एक बाटी में खाता हूँ। तो भाई ये था मेरा सुबह से रात तक का। लेकिन हाँ अगर घर से बाहर गया दोस्तों के साथ तभी एक शोरमा या फिर कुछ ऐसा मोमोज वगैरह खा लेता हफ्ते में एक बार, बाकी खाना नहीं खाता, रोटी भी नहीं खाता ये, रोटी चावल दाल सालन सब कुछ नहीं, भाजी वगैरह कुछ नहीं, तेल का कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्राउन ब्रेड अंडा बॉयल अंडा वो भी सिंपल। ये भी बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई डाइट कैसा करते हैं, डाइट ये वो करो ना तो मजा आती है। सही में डाइट करने में भी एक मजा है, करो जिसको करना है, जिसको अपने हेल्थ पे बॉडी पे पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है, मैं ही नहीं बोल रहा करो ही नहीं। बहुत से लोग को पसंद होता है खुद पे खर्चा करना और खुद पे ध्यान देना। मेरे बच्चे लोग को है खाने का शौक है क्यों, बाकी और शौक। और अच्छी बात है कहने में देखो ये जो मैं मसाला खा रहा हूँ ना तो मैं सोच के खाता हूँ यार, ये अभी मैं खा ले रहा हूँ पच जा रहा है, आगे चल के प्रॉब्लम होगा, तो मैं इसीलिए खाली यही खाता हूँ। दूसरा खाने के टाइम मैं कंट्रोल करता हूँ। हाँ। कि भाई मुझे आगे प्रॉब्लम नहीं थी ऐसा। तो चलो फिर चलते हैं। तो देखो आप लोगों के साथ पूरी डाइट इसने पूरी रूटीन शेयर कर लिया। अंडा करी अच्छी थी लेकिन तुम्हारी रेसिपी अच्छी थी। ये क्यों खोला मालूम इतने इतना सारा बोल, क्योंकि ये अंडा अंडा अंडे को हटा के चिकन चिकन कर रहा था ना, अंडा एक्स्ट्रा हो गया मेरा। इसलिए मैं बोली कि अंडे तो रोज ही खाता है ना तू, कम से कम मेरे 10 अंडे तो कम से कम होते ही एक दिन के, 10 नहीं तो कम से कम 8 तो पकड़ के। कभी कभी 4 ही खाता है, जहाँ दोस्त लोग के पास गया ना उस दिन जिम भी डांडी और ये डाइट वाइट भी डांडी, सीधा गायब हो जाता है। तो भाई चलो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, रेसिपी कैसी थी वो भी कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे डाइट में कुछ ऐड करना चाहते हो, कोई अगर हेल्दी फूड वाला बंदा देख रहा है जो मुझे सजेशन देना चाहता है कि भाई आप डाइट में ये स्टार्ट करो तो मैं वो जरूर करूंगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ। और अभी बस यही बोलूंगी कि ये झटपट वाली रेसिपी है जिसके पास कम समय फटाफट बन सकती है। ठीक है तो चलो, तो भाई जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और जो मेरे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और भी कुछ बताओ क्या, और लाइक करके जरूर जाना। ठीक है चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।